यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास ऑफ वन एंड मैनी चैप्टर. देर आर क्वेश्चंस. एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द प्लूरल ऑफ बुक इज, बुक का प्लूरल क्या होगा? बुक्स. ठीक है, आंसर इज बुक, बुक्स. द प्लूरल ऑफ आंट इज, अब आंट का प्लूरल क्या होगा? आंट्स. क्लियर. द सिंगुलर ऑफ टॉयज इज, अब टॉयज ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ये पूछ रहा है इसका सिंगुलर क्या होगा, तो टी ओ वाई. द सिंगुलर ऑफ फीट, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर फीट का सिंगुलर होता है फूट, तो द सिंगुलर ऑफ फीट इज फूट. ठीक है, आ गए हम क्वेश्चन नंबर टू पे. बी, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. मैं यहाँ आपको अभी रूल्स के साथ समझा रही हूँ. ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, हमने लगा दिया केवल एस, तो ऑरेंजेस, ओ आर ए एन जी ई एस. आर ओ एस ई रोज, आर ओ एस ई एस, ओनली एस एड किया है. जे यू जी जग, जे यू जी एस जग्स. सी आई टी वाई, वाई है, वाई से पहले वॉवल नहीं है तो हमने वाई हटा दिया, आई ई एस लगा दिया. सी आई टी आई ई एस सिटीज. सी ओ पी वाई, वाई से पहले पी वॉवल नहीं है तो वाई हटा के आई ई एस. सी ओ पी आई ई एस. टी ओ वाई, टॉय, वाई से पहले वॉवल है तो टी ओ वाई एस. ठीक है, W I F E, मैंने बताया था यदि लास्ट में F होता है या F E होता है तो V E S लग जाता है. W I F E हट गया है, V E S, wives, वाइफ मतलब पत्नी, एक से ज़्यादा पत्नियाँ हैं तो wives. L A D Y, Y से पहले क्या है? Vowel नहीं है तो L A D Y हट गया, I E S आ गया है. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिए, अभी मैं इसको रब करके आपको होमवर्क दूंगी, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा रूल देखते हुए. इधर आ गए अपन, राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इसके सिंगुलर लिखने हैं, इधर प्लूरल गिवन है, आपको इसके सिंगुलर बनाने. बसेस, ई एस लगा रखा है तो बस बन गया इसका सिंगुलर. सिटीज, आपको पता है आई ई एस कब लगता है? वाई हटाया तो सी आई टी वाई, सिटी का सिटीज. डेज, डे. नाइव्स, के एन आई एफ ई होता है, एफ ई हटा तो वी ई एस लगा तो यहाँ एफ ई आ गया, के एन आई एफ ई. इसको उल्टा करके देखो, यदि हमने एफ ई हटा के वी ई एस लगाते तो के एन आई वी ई एस, यही स्पेलिंग बनती है तो ये बन गया नाइफ. मैंगोज, ई एस लगा रखा है, मैंगो. स्टोरीज, वही वाई है, वाई हटा के आई ई एस लगाया तो एस टी ओ आर वाई. बॉक्सेस, बी ओ एक्स, ई एस एड कर रखा था तो बॉक्सेस का सिंगुलर. लॉक्स, लॉक. लुक एट द पिक्चर एंड राइट सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, ये बहुत सारी क्या है, आपको जो भी नज़र आ रहा है पहले बात तो देखिए क्या नज़र आ रहा है उसका. आपको एक से ज़्यादा दिख रही है तो उसका प्लूरल लिखेंगे यहाँ पर. एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ, बुक्स. बुक नहीं है, एक बुक नहीं है, बुक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है तो बुक्स हो गया. ये क्या दिख रहा है आपको, है ना, उसका नाम लिखना है प्लस वो सिंगुलर है प्लूरल है वो लिखना है. ये 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 और ये, आपको ये सब करने हैं, ये आपके होमवर्क है. अभी आपको होमवर्क इसको रब करके भी मिलने वाला है. फिलिंग द ब्लैंक्स. डेविड हैज़ मैनी टॉयज, अब डेविड के पास बहुत सारे क्या हैं, टॉयज, खिलौने हैं. तो अब क्या कह रहा है, ही हैज़ टू. टू क्या चीज़ें पर उसके पास में, टू क्या है, जो भी टू है उसका नाम लिखना है और उसको प्लूरल में लिखना है. एक बताती हूँ, बैट्स, बी ए टी एस, बैट्स. अभी क्या नज़र आ रही है, बॉल्स. ही हैज़ फोर बॉल्स, एक से ज़्यादा है तो एस ई एस, जो मैंने अभी आपको मैनी के लिए बताया वो लगाना है. अभी ही हैज़ वन, वन क्या है उसके पास, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉय डाल दें या टेडी बियर कुछ भी डाल सकते हैं. थ्री क्या है उसके पास, बलून. बलून की स्पेलिंग होते बी ए डबल एल डबल ओ एन, बलून, एस लग जाएगा. ही हैज़ टू काइट्स बट ही लाइक्स द, इसको क्या बोलते हैं,
ये है, इसको बोलते हैं टॉप, TOP टॉप, लट्टू है ना आप हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉप। ही लाइक्स द टॉप मोस्ट, ठीक है। यहाँ पर टू काइट्स है तो काइट्स आ जाएगा, और टॉप के लिए टॉप ही आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले सबसे पहले आपको रूल अच्छे से पढ़ने हैं, मैं आपको जब कॉपी में रूल भी लिखवाऊंगी। अभी आपको मैंने बुक से समझाया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। पहले आपको ये करने हैं, रब करके आपको इसका होमवर्क भी मिलेगा। ओके, यहाँ मैं डाल देती हूँ आपका होमवर्क, ये आपको सबको, सभी बच्चों को करना है। थैंक यू।